और आइए अब आपको लिए चलते हैं मगरमच्छों के गांव में। वडोदरा मगरमच्छों की गिरफ्त में है। नदी में बाढ़ की आई, मगरमच्छों की सेना शहर में घुस आई है। तस्वीरें देखेंगे तो दहल जाएंगे। वडोदरा शहर के लोग आजकल खतरनाक गिनती गिन रहे हैं। गिनती है मगरमच्छों की। ये गिनती यहीं खत्म नहीं होती। ये हमारा 195 मा क्रोकोडाइल है जी। 195th क्रोकोडाइल। सुना आपने, पूरे 195 इतने मगरमच्छ। जैसे मगरमच्छों ने पूरा का पूरा गांव ही बसा रखा है। एक से निपटे नहीं कि दूसरी जगह मगरमच्छ मिलने का फोन आ जाता है। इन्हें देखिए, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। हुंकार देखिए और सुनिए, दूध के पांव पालने में ही दिख रहे हैं। वो तो शुक्र है वन विभाग और एनिमल लवर संस्था गुजरात स्टेट प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल यानी GSPCA का, जो इंसानों को तो इनके आतंक से छुटकारा दिला ही रहे हैं, इन मगरमच्छों को नर्मदा में छोड़कर अभयदान दे रहे हैं। ऐसा है, जैसे पानी बढ़ता है, जैसे दो चार दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई तो पानी का लेवल हर जगह एक स्तरीय हो जाता है, तो ये क्रोकोडाइल होते हैं वो भटक जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ये कहाँ घूम रहे हैं, और फिर सडनली दूसरे दिन पानी एकदम कम हो जाता है, तो वो अब या तो कोई सोसाइटी में होते हैं या कोई स्कूल के कंपाउंड में पाए जाते हैं या गार्डन में पाए जाते हैं, तो उसके आसपास का जो जरसल होता है वो कम हो जाने के बाद उसको पता नहीं चलता कि कहाँ जाए। वडोदरा के लोगों को अकेले मगरमच्छों का ही खतरा नहीं है। रेस्क्यू टीम को दिन भर में सांपों के लिए 25 से 30 फोन आते हैं। काफी चौंकाने वाली बात है, 2010 से लेकर 2014 तक 4 साल के बीते करीब 10 से ज्यादा लोगों की जान मगरमच्छ ने ली है। साथ ही आए दिन जिस तरीके से मगरमच्छ पाए जा रहे हैं वडोदरा सिटी में, ये काफी चौंकाने वाली बात है और काफी खौफनाक भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों में डर एक बन गया है अब मगरमच्छ से। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।